राधे राधे जय श्री कृष्णा। इस गुरु पूर्णिमा को मैंने 12 लाइन प्रेडिक्शन की थी इंग्लिश में। मुझे कईयों ने कहा कि अगर आप इसका हिंदी रूपांतरण कर सकते हैं तो कीजिएगा, तो मैं आज वो जो 12 लाइनें हैं उसे अपनी तरह से हिंदी में रूपांतरित कर रहा हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो इंग्लिश में लिखा है और जो हिंदी में मैं बता रहा हूँ उसके भाव को समझिएगा कि एम्ब्रांस आखिर इस संसार को क्या देना कहना चाहता है। जो पहली 4 लाइनें थी वो ये थी, द लास्ट शिप इन द ओशन राइजिंग फ्रॉम स्टॉर्म द ट्रूथ प्रेयर्स रीचिंग द डिवाइन द मिराकल गिव्स लाइट टू द वर्ल्ड। तो ये जो पहली 4 लाइनें हैं इसका अगर मैं हिंदी में उल्लेख करूं तो वो ये है कि एक बहुत बड़ा समंदर है और उस समंदर में एक बहुत बड़ी नाव है, जहाज है, शिप है, और उस शिप के ऊपर सत्य में जयते लिखा हुआ है। और तभी उस समंदर में एक तूफान आता है और जो भी उस शिप में बैठे हैं वो जो पांडव हैं वो प्रेयर करते हैं डिवाइन को कि हम सत्य के साथ में हैं, तभी इस नाव में बैठे हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस तूफान को आप रोको। ये जो तूफान है, ये जो सुनामी है, उसको आप रोको, नहीं तो जो सत्य है वो डूब जाएगा, बह जाएगा। और जब सारे पांडव ये प्रार्थना करते हैं तो एक मिराकल होता है। मिराकल ये होता है कि वो जो शिप है उस ओशन से ऊपर सतह में आ जाती है और तूफान थम जाता है। ये एक मिराकल होता है। लेकिन ये मिराकल कैसे होता है? क्योंकि जब सब प्रार्थना करते हैं तो एक लाइट का उदय होता है आसमान से, और इस मिराकल से वो जो सत्य की शिप है, नाव है, और जो उसमें पांडव है, वो वापस उस सत्य के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये 4 लाइन का उल्लेख कर रहा हूं डीपली। अगर आप समझ सकें तो समझिएगा, अगर अब भी नहीं समझ सके तो फिर आप समझ नहीं सकते। अगली 4 लाइनें जो हैं वो ये हैं, द लॉ ऑफ नेचर प्रिवेल्स रेस्पेक्ट द न्यू एंथम इन द स्काई द लैम सिटिंग विद द व्हाइट लायन द लाइटनिंग मेक्स द फर्स्ट स्ट्राइक। जब एक अध्याय सत्य का कंप्लीट हो गया तो दूसरा अध्याय आरंभ हुआ। ईश्वर ने एक आकाशवाणी की, द लाइटनिंग मेक्स द फर्स्ट स्ट्राइक का मतलब है आकाशवाणी। एक आकाशवाणी हुई जिसमें ये कहा गया कि अब जो लॉ है वो नेचर अपने हाथ में लेगा, जो न्याय ये संसार तुम्हें नहीं दे सकता, अब वो जो न्याय है ये प्रकृति तुम्हें प्रदान करेगी। ये जो प्रकृति है वो तुम्हें प्रदान करेगी। जिसने जिसको जो सम्मान दिया उसको वो सम्मान पुनः प्राप्त होगा। जिस तरह जब एक लैम का मतलब होता है भेड़ का बच्चा, अपनी जान बचाने के लिए जंगल में शेर तक पहुंच गया कि आप मेरी रक्षा करो, उसी तरह हर एक पांडव वहां पहुंच चुका है जहां पर उसका रक्षक बैठा है। द लैम डिनोट्स द पांडव एंड द लायन डिनोट्स
श्री कृष्णा हिमसेल्फ। ये अगली चार लाइन है, बता देता हूं आपको, जिसका विवरण मैंने किया है। अब जो अंतिम चार लाइन है वो जान ले। जुपिटर जॉइंस द लियो स्टार, जुपिटर जॉइंस द लियो स्टार, इसका अर्थ है अब श्री कृष्ण पांडव के साथ मिल चुके हैं। जुपिटर जॉइंस द लियो स्टार, इसका अर्थ ये है अब श्री कृष्ण पांडव के साथ मिल चुके हैं। द स्टूडेंट मीट्स द मास्टर, द स्टूडेंट मीट्स द मास्टर, सिंपल सी बात है। जब पांडव को श्री कृष्ण मिल गए, उनके सीवियर मिल गए, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि द स्टूडेंट मीट्स द मास्टर। मदर अर्थ नर्चर्स क्रिएशन, ये देख के प्रकृति बहुत खुश हुई, ये देखकर प्रकृति बहुत खुश हुई। एंड द बर्ड सिंग्स द नेम इन राइम, और जब प्रकृति ये देखकर बहुत खुश हुई तो जो भी बर्ड्स हैं इस संसार में उन्होंने एक ही बात कही, एक ही बात कही, यदा यदा ही धर्मस्य, द बर्ड सिंग्स द नेम इन राइम, यदा यदा ही धर्मस्य, सत्य में जय थे। ये एक्सप्लेनेशन है मेरे उन 12 इंग्लिश लाइनों का। अगर अब भी पांडव नहीं समझ पाए तो वो कभी समझ नहीं पाएंगे। भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए शंखनाद हो रहा है, भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिस भाव से आप जो लिखते हो उसमें वही पिरोया जाता है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन सत्य तो बहुत कुछ है। तो मैं उन सब पांडव को कहना चाहता हूं कि आप उसी जहाज में बैठे हैं, उसी शिप में बैठे हैं जिस पे लिखा है सत्य में जयते। और एक तूफान हमारी जिंदगी में आया, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में इतना असर है कि एक चमत्कार से वो जो तूफान है वो ब्लेसिंग में बदल गया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये जो मैंने हिंदी रूपांतरण किया है ये हर किसी को समझ में आएगा, हर किसी को समझ में आएगा। आपको क्या लगता है कि एम्ब्रांस यहाँ पे क्यों है, एम्ब्रांस यहाँ पे क्यों है? जिस दिन सच्चे मन से समझोगे उस दिन आप सबको उत्तर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर स्वयं के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पर स्वयं के लिए नहीं हूँ, मैं उन सब के लिए हूँ जो मेरे अपने हैं, जो मुझे अपना समझते हैं। अगर किसी के जीवन में कुछ रोशनी मैं प्रदान कर सकता हूं तो यही उद्देश्य है मेरा, और उस उद्देश्य पर मैं सदैव चलता रहूंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उम्मीद करता हूं अब सब समझ गए होंगे कि वो जो 12 लाइनें हैं वो क्या हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।